चिकन ट्रैप मुर्गी चोर। कोपर गांव नाम के गांव में बादल नाम का व्यक्ति रहता था। वो गांव में हर एक को बिन मांगे ही मुफ्त की सलाह देता रहता था। कोई उसे पैसे देता तो वो ले लेता था, अगर नहीं दिया तो मांग कर पैसे लेता था, पर कोई काम नहीं करता था। वो बिना चिकन के खाना ही नहीं खाता था। एक दिन वो खाना खाते हुए, धत ये क्या दाल बनाया, अरे चिकन क्यों नहीं बनाया? हाँ हाँ, चिकन करी बनाने के लिए पैसे कौन देगा? तुम्हारी दादाजी आकर देंगे। काम धंधा तो है नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? मुफ्त की सलाह बांटते रहते हो, उन पैसों से चिकन करी कहाँ से आएगा? थक, सब मेरी किस्मत है, कहकर अंदर चली गई। अरे मुफ्त की सलाह देने में जो मजा है वो तुम क्या जानो। कल से हर हाल में चिकन करी खाना होगा, बिना चिकन के एक दिन भी नहीं खाऊंगा मैं, यूं उसने सोचा। फिर सबकी नजर बचाते हुए अपने चेहरे पर एक नकाब डालकर एक मुर्गी को पकड़ा। बाद में उसे अपने पत्नी को देते हुए, ले लो भगवान ये लो मुर्गी, आज से तुम्हें हर रोज मुर्गी मिलेगा, तुम चुपचाप उसे बनाकर खिलाते रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। हाय रे, तुम ये चुरा कर लाए हो, लालच है, अगर गांव में पता चल गया तो अपनी इज्जत चली जाएगी। अरे पता कैसे चलेगा, मैं नकाब पहनकर चोरी करता हूँ, मैं तुम जैसे मूर्ख नहीं हूँ। चलो चलो जल्दी पकाओ। यूं वो हर रोज मुर्गी पकड़ता और लाकर अपने पत्नी को देता था, और वो पका कर देती तो काफी खुश होकर खाता था। एक दिन गांव में वो लोगों से बात कर रहा था। बादल जी, आजकल गांव में मुर्गियां गायब हो रही हैं, उसका क्या कारण हो सकता है, जरा सलाह दीजिए तो। भैया, अब गांव है तो मुर्गियां तो होंगे ही, और अगर मुर्गियां हैं तो गायब भी होंगी, अब इस बात को भूल जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं बादल जी, मुर्गियां गायब कैसे हो सकती हैं? पर हाँ, एक बात तो जरूर है, कोई उसको चुरा रहा है, अगर वो मेरे हाथ लग गया तो समझो वो मर गया। हाँ, अगर वो कमीना हाथ लग गया तो बस समझो फिर वो जिंदगी भर कोई मुर्गी नहीं पकड़ पाएगा, उसके हाथ काट डालूंगा, दौड़ने के लिए उसके पांव भी नहीं बचेंगे, पकड़ा गया तो समझो मर गया। ये बातें सुनकर बादल घबरा गया और, मित्रों जल्दबाजी से काम नहीं करना चाहिए, उससे हम अपना विवेक खो बैठते हैं। चलिए दोपहर के भोजन का समय हो गया है, खाकर आराम करिए, फिर मिलते हैं। यूं वे सब वहां से चले गए। बाप रे, लगता है सब पूरे फ्रस्ट्रेशन में हैं, बहुत नाराज दिखते हैं, अगर पकड़ा गया तो सचमुच मार डालेंगे ये लोग, जल्दी से कोई और प्लान बनाना होगा। फिर उसने एक कार्डबोर्ड चिकन ट्रैप बॉक्स तैयार किया, उसे लाकर एक जगह रखा और उसके अंदर कुछ दाने फेंके, बाद में पेड़ के पीछे जा छुपा। तभी एक मुर्गी वहां पहुंची, वो कहकर दाने को देखकर उसे चुगने लगी, तभी वो कार्डबोर्ड बॉक्स एकदम बंद हो गया। तुरंत बादल उस बक्से को लेकर वहां से चला गया। इस तरह वो बक्से को कहीं ना कहीं रखता, मुर्गी के फंसते ही उसे लेकर चला जाता, फिर लोगों के बीच में बैठकर बातें करता रहता था। फिर घर जाते समय उस बक्से को लेकर जाता था। एक दिन एक स्वामी ने ये सब कुछ देखा। बेटा, जीव हत्या करना पाप है, चोरी उससे भी बड़ा पाप है, कृपा करके ऐसे काम ना किया करो बेटा। ए, तुम कौन हो जो मुझे सलाह दे रहे हो, क्या मैं नहीं जानता कि क्या पुण्य है और क्या पाप? पेड़ के नीचे बैठकर घर घर जाकर भीख मांगते हो तुम और मुझे सलाह देते हो, एक हाथ पड़ा तो गांव के बाहर जाकर गिरोगे, कहकर हाथ उठाया। हे मूर्ख, तेरी ये हिम्मत, इतना घमंड, अभी सबक सिखाता हूँ, कहकर हाथ हिलाया। बस बादल एकदम छोटा हो गया और उस बक्से में जा गिरा। तभी एक मुर्गी वहां आई और दाना चुगने लगी तो बक्सा एकदम बंद हो गया। मुर्गी बादल को देखकर, क्यों रे कमबख्त, तू ही है जो बाकी मुर्गियों को खाता रहता है, अब मैं समझी तुम्हारा प्लान क्या है, अभी बताती हूँ, कहकर उसे चोंच मारने लगी। हाय रे, अब मुझे कुछ ना करो, मुझे कुछ ना करो, कहकर वहां से दौड़ा, कहकर वो बॉक्स से कूदकर भागने लगा तो मुर्गी भी उसके पीछे भागने लगी।
उन्हें देखकर गांव वाले हैरान हो गए। बाद में लोगों ने उस मुर्गी को भगाया तो मुर्गी वहां से भाग गई। ये क्या हुआ बादल भाई, तुम ऐसे कैसे बन गए, हुआ क्या था? तभी वो स्वामी जी वहाँ पहुँचे। बादल ने स्वामी जी को देखा और स्वामी जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे फिर से साधारण मनुष्य बना दीजिए स्वामी जी, गाँव वालों आप सबकी मुर्गियाँ चुराने वाला मैं ही हूँ। स्वामी जी मुझे सलाह दे रहे थे पर मैंने उनका अपमान किया, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। स्वामी जी ने हाथ हिलाया तो वो फिर से साधारण आदमी बन गया। तब लोगों ने मिलकर उसे खूब मारा। तब से वो मेहनत करते हुए आराम से जीवन बसर करने लगा।